हेलो फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में नरेगा के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनका एस्टीमेट कैसे दे सकते हैं, लेबर के लिए कितना पैसा है, मटेरियल के लिए कितना है और दूसरे काम के लिए कितना पैसा है, ये सब डिटेल हम कैसे दे सकते हैं, इस वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इस वाली साइट पे आ जाएं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, यहाँ पर रिपोर्ट्स इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया है, उसमें एक क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे इंटर करें। हाँ, वेरीफाई कोड इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे यहाँ पे स्टेट नेम, तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लें। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पे EFMS रिपोर्ट्स और उसके नीचे यहाँ पे DPR फ्रोजन स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी पंचायत में लास्ट में फोजन नंबर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे पंचायत में जितने भी नरेगा के कार्य हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। आप जिस भी कार्य का एस्टीमेट देखना चाहते हैं उस कार्य के वर्क कोड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, लेबर के लिए कितना पैसा है, मटेरियल के लिए कितना है और दूसरे काम के लिए कितना है। तो इस तरह से आप अपने ग्राम पंचायत में नरेगा के कार्य का एस्टीमेट देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।